मेरी मदर के पास कॉल आया था, तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियां आ रही हैं ऐसे ऐसे। आप सब जानते हैं कि 21 दिसंबर को जो है मैंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से, और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया उसका मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे ही चुनाव हुए तो बृजभूषण ने जो बेउद्गी की वो सब पूरे देश ने देखा। 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और बृजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और अभी 2-4 दिन से भी एलिगेशंस लगा रहा, 2-4 दिन से नहीं काफी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो है वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, 62 किलो में जो हैं, वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और एड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है, और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15, 17, अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एड हॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। मैं सरकार जो है माँ बाप की तरह होती है, जब बच्चा कोई भी शिकायत करता है या कोई भी उसे मांग होती है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, तो वो भी हमारे अभिभावक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सबसे मैं अभी भी यही निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप इतने समय से देख रहे हैं वो अभी भी संजय सिंह है, वो कैसे आंखें दिखा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि फेडरेशन में जो है उसका दोबारा से कोई इंटरफेरेंस हो, ये आपसे निवेदन है। नई बच्ची बच्चियां जो है वो सुरक्षित महसूस करें। और पिछले 2 दिन से जो है वो बृजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए कि उसी के किसी आदमी का, कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि जब से हमने बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है वो ये कभी ना कभी ये एलिगेशंस या कुछ भी प्रोपेगेंडा वो चला ही रहा है, कभी कोई रूप दे रहा है, कभी हरियाणा यूपी का, कभी जात का वो रूप दे ही रहा है, अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। और एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट की, मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कुछ लोग हैं, आईटी सेल है या क्या है बृजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बेटी या माँ बहनें आप लोगों के घर में भी हैं, तो ऐसा ना करें। धन्यवाद। साक्षी, आपके पास फोन नंबर से अगर फोन आ रहे हैं तो आप लोग पुलिस में इसको इत्तला कर रहे हैं, क्योंकि ये बाद में डेंजरस भी हो सकता है अगर आ रहा है फोन पे। मेरी मदर के पास कॉल आया था, तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियां आ रही हैं ऐसे ऐसे कि आपके परिवार पे किसी न किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदाई है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी, बच्चों को बच्चियों को सुरक्षित रहें रेसलिंग में उनके लिए लड़ी थी, या पूरे देश में सुरक्षित रहें, लेकिन हमें ही धमकियां आ रही है और हमें ही घर घर परिवार पर थ्रेट करवा रहा है। तो ये तो बड़ा दुख की बात है।